राष्ट्रीय कर्णी सेना के नेतृत्व में बागली मुख्यालय पर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर भव्य रैली निकालकर सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कर्णी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष गिरिराज सिंह सिसोदिया, देवास जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह बिसाखेड़ी व संगठन मंत्री शैलेन्द्र सिंह की उपस्थिति में तहसील स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बागली के बेहरी फाटे से सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पैदल चलकर रैली निकाली। रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी प्रांगण पहुंची, जहां पर सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी अतिथियों ने उपस्थित समाज जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की लड़ाई की बागली से शुरुआत की गई है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कई भी स्टेट चालू करी होना है, कम से कम जो आरक्षण ना मिले तो होना ना तलक करे, दूसरी स्टेट से चालू करे, अब अलग चुपचाप शांति थी, जय सियाराम, मंडी देश थोड़ी चलेगा, देश तो सब सबका साथ सबका विकास, अब सबको साथ सबका विकास। मौजूदा आरक्षण समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आरक्षण के विरोध में रैली नहीं थी, हम लोग चाहते हैं कि हर गरीब को उसका अधिकार मिले, चाहे वो SC ST का हो, पिछड़ा वर्ग का हो या स्वर्ण वर्ग का हो। इसलिए हमारे पूरा भारत भर में हम लोग इस आंदोलन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी हम लगातार अपनी मांग को सरकार के सामने उठा रहे हैं। आने वाले समय में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने वाली है इन्हीं मुद्दों को लेकर, चाहे EWS आरक्षण हो, एट्रोसिटी एक्ट हो या आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग हो, उसी को लेकर हमारी तैयारियां चालू है और हम लोग पूरे प्रदेश में यात्रा करते हैं। सुनने में आ रहा है कि आप लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली क्या, बहुत सारे विधायकों ने ये मांग की थी कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में संविधान एक है और लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करें, न कि उनको आरक्षण के दर्ज में उनको डुबो दें। 9वीं अनुसूची कहीं ना कहीं आरक्षणधारियों के लिए ही घातक है, हम चाहते हैं कि हर जो गरीब है उसको अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो। यदि आपकी मांग तो आपकी आगामी रूपरेखा क्या रहेगी? हमारी रूपरेखा है पूरे प्रदेश भर की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर यात्राएं करेंगे, उसके बाद भोपाल विधानसभा का ऐसा घेरा होगा जो भविष्य में न कभी हुआ है, इतिहास में कभी हुआ है न भविष्य में कभी होगा। क्या इसे मिशन 2023 से जोड़ के देखा जाए? मिशन 2023 के लिए तो नेता लोग देखते हैं और कर्णी सेना नेताओं को सबक सिखाने का काम करती है और वो कैसे भी सिखा सकते हैं। अगर इस बार, पिछली बार हम लोगों ने नेतृत्व नहीं किया था, हम लोगों ने सपाक्स को या और किसी को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार हम लोग स्वतंत्र हैं, अपना निर्णय हमारे हिसाब से करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।